वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, विलयन, विले, विलायक, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलोइडल विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, अति परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासरी विलयन। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या अंतर है। तो हमारा ये वीडियो जो है ये 8 क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेसिक चीजें। सबसे पहले समझते हैं विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, नमक जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं और इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये है नमक और ये है जल पानी। हम नमक को पानी में घोल रहे हैं, नमक को पानी में घोल रहे हैं। तो यहाँ लिखा है जिस पदार्थ को घोला जाता है, हम यहाँ पानी को नहीं घोल रहे हैं, हम यहाँ नमक को घोल रहे हैं। तो जिस पदार्थ को घोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं और इसकी मात्रा जो होती है वो विलायक से कम होती है। आप देख सकते हैं एक चम्मच है और यहाँ पूरा ग्लास है पानी का, तो इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा कम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय किसे कहते हैं। वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो उसको भी हम विलेय कह सकते हैं, और सिंपल सा कि जिस पदार्थ को हम घोलते हैं उसको हम विलेय कहते हैं, इसकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं विलायक किसे कहते हैं। अब देखिए ये जल है, आप सभी को पता है जिसमें पदार्थ घुलता है, जिसमें पदार्थ घुलता है या जिसमें पदार्थ को घोला जाता है उसको कहते हैं विलायक। तो ये पानी है, इसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, विलायक है, क्योंकि इसके अंदर हम नमक को घोल रहे हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है किससे, विलेय से। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो विलयन हमारा बना, क्योंकि विलेय जमा विलायक विलयन कहलाता है, विलेय जमा विलायक, जब विलेय और विलायक मिल जाते हैं तो विलयन बनता है। लेकिन जैसे ये नमक क्या है हमारा, नमक क्या है हमारा, विलेय। जल क्या है, विलायक। दोनों मिल गए तो बन गया विलयन। लेकिन कौन सा विलयन बना, नमक का विलयन। क्यों, क्योंकि हमने नमक को घोला है जल में। तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। अब समझते हैं तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, दोनों की मदद से समझते हैं। सपोज हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लिए और इनको जल में घोला, फिर हमने थोड़ी मात्रा बढ़ा दी और फिर इनको जल में घोला, तो आप जल के रंग को देखकर बता सकते हैं कि ये कम क्यों है और ये ज्यादा गाढ़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कण हैं कॉपर सल्फेट के और यहाँ पे कम कण हैं कॉपर सल्फेट के। यानी यहाँ पे कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में विलेय है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में विलेय को विलायक में मिलाया गया है। तो जब विलेय की मात्रा कम होती है तो तनु विलयन कहते हैं, जब विलेय की मात्रा ज्यादा होती है तो सांद्र विलयन कहते हैं। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक चम्मच नमक एक ग्लास में मिलाते हैं तो पानी हमें कम नमकीन लगता है, लेकिन अगर 5 चम्मच नमक मिला दें तो ज्यादा नमकीन लगेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक के कण है इसमें, बहुत ज्यादा विलेय पदार्थ है और इसमें विलेय पदार्थ कम है। तो हम इस तरीके, जिसमें विलेय पदार्थ कम होता है उसको तनु विलयन कहते हैं और जिसमें विलेय पदार्थ के कण ज्यादा होते हैं उसको हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि जल के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। तो जब हम चीनी, सपोज ये चीनी के कण हैं और जब हम इस चीनी के कणों को मिला रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि अभी कुछ खाली स्थान है जहां ये चीनी के कण जाकर ये इस स्थान को घेर सकते हैं, तो ऐसा विलयन जिनके जल के कणों के बीच में खाली स्थान अभी है
यानी और ज्यादा चीनी हम घोल सकते हैं इसमें आसानी से। तो इस तरीके के विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, विलेय की और अधिक मात्रा आसानी से घुल सके। अब अगर हम देखें अपना सेकंड कंडीशन कि अगर सामान्य तापमान पर हम चीनी को घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम चीनी घोलते हैं तो वो नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि जो भी रिक्त स्थान थे उन सभी स्थानों पर चीनी के कण जाकर घेर लिए हैं वो जगह। अब कोई खाली जगह नहीं है जल के कणों के बीच, तो क्या होगा? चीनी ऐड करेंगे तो चीनी तले में जाके बैठ जाएगी। ये कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कि ये हमारा जो विलयन है ये संतृप्त विलयन हो गया है, क्योंकि इसमें जल के कणों के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है, तो जो भी हम इसके अंदर डालेंगे वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया संतृप्त विलयन क्या होता है। अब अगर हम बात करें अति संतृप्त विलयन की, तो इसके लिए दो कंडीशन आपको बताऊंगी। जब हमारा विलयन संतृप्त हो जाता है तो ये तो सामान्य तापमान पर होता है। जब हम तापमान को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि बहुत थोड़े मात्रा में जो विलेय पदार्थ है वो और घुल सके। बहुत थोड़े मात्रा में विलेय पदार्थ और घुल सके। संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ाने पर विलेय की कुछ और अधिक मात्रा घुलने के चांसेस होते हैं, तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप इसमें चीनी के थोड़े और क्रिस्टल्स डालते हैं और आपको ये नजर आता है कि जो चीनी आपने डाला था उसका साइज और ज्यादा बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण हो रहा है, तब हम इस कंडीशन से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा विलयन है ये अति संतृप्त विलयन बन चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया असंतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है और अति संतृप्त विलयन क्या है। अब देखते हैं समांगी और विषमांगी विलयन क्या है। ये 9th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, समांगी और विषमांगी विलयन या समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी अगर मिश्रण या विलयन की बात करें तो उसमें जो कण होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, और विषमांगी में अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है। तो पहले देखते हैं समांगी। समांगी विलयन में कणों की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है कि मतलब जितने भी कण हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जल लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है, जब घोलते हैं तो ये समान रूप से हर जगह हमें एक जैसा दिखता है, क्योंकि जो कण है वो समान रूप से वितरित होते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को समांगी विलयन कहते हैं। आपने नमक लिया और पानी में उसको घोल दिया। अब इस पानी को एक प्लेट में अगर डाल देते हैं और आप प्लेट के किसी भी किनारे से कहीं से भी अगर एक चम्मच पानी उठा के पियेंगे तो टेस्ट उसका सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ये नमक के कण हैं ये समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। अब अगर विषमांगी विलयन की बात करें तो देखिए इस कंडीशन में क्या है। विषमांगी में जैसे हमने मिट्टी लिया और जल लिया, मिट्टी लिया और जल लिया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया? इस कंडीशन में आप देखिए जो हैवी जो भारी चीजें थी वो नीचे जाके बैठ गई, जो हल्की चीजें थी वो ऊपर तैर रही हैं, कुछ हल्की चीजें और पानी के अंदर भी तैर रही हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो वितरण है वो समान नहीं है, वो असमान है। तो इस तरीके के विलयन को हम विषमांगी विलयन कहते हैं। और अगर बात करें यहाँ तेल और जल की, तो यहाँ भी देखिए तेल और जल आपको पता है कि आपस में नहीं मिलते हैं, कहीं पे ज्यादा तेल है कहीं पे पानी है कहीं पे कम तेल है। तो इस तरीके में जिसमें बराबर वितरण ना हो, चीजों का बराबर वितरण ना हो या कणों का बराबर वितरण ना हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे विषमांगी विलयन। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक विलयन क्या है, निलंबन क्या है और कोलाइडल विलयन क्या है। ये टॉपिक 9th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान से समझना इसको। वास्तविक विलयन, जब हम पानी में नमक घोल रहे हैं और आसानी से घुल जा रहा है, बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन हमें मिलता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वास्तविक विलयन है। ये वास्तविक विलयन है। इसमें कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है और कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। एक और निशानी इसकी कि जब आप टॉर्च जलाएंगे
तो जो किरणें हैं वो आपको सीधे इस विलयन को पार करके इस ग्लास के इस तरफ किरणें आ जाएंगी। तो इसका मतलब कि इसके कणों का साइज इतना छोटा है कि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। निलंबन की अगर बात करें तो यहाँ ये देख सकते हैं निलंबन। निलंबन में जो कण होते हैं वो क्या, निलंबन में कण क्या होते हैं, भारी कण बैठ जाते हैं, हल्के कण निरंतर घूमते रहते हैं विलयन के अंदर, तो इसलिए इसको हम निलंबन कहते हैं। जैसा मिट्टी और जल को मिलाने से हमें प्राप्त होता है ये निलंबन कहलाता है। इसमें कणों का साइज इतना बड़ा होता है कि आसानी से हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर बात करें कोलाइडल विलयन की तो ये भी एक प्रकार का विषमांगी विलयन है। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ समांगी और विषमांगी विलयन, तो ये हमारा समांगी विलयन है क्योंकि समान रूप से वितरण हो रहा है। ये हमारा विषमांगी है क्योंकि जो भारी कण है वो नीचे हैं, हल्के कण है ऊपर है, कुछ और हल्के हैं तो वो तैर रहे हैं, तो यानी कि ये विषमांगी हो गया। अब ये जो कोलोइडल है ये है तो एक्चुअली में विषमांगी लेकिन दिखता है हमें समांगी, क्योंकि ये जो विषमांगी है और समांगी है इसका जो वितरण किया गया है वो कणों के साइज के आधार पर किया गया है। तो यहाँ अगर हम कणों की बात करें तो यहाँ 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े कण होते हैं, और अगर इनके कणों की बात करें तो ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये कोलाइडी, ये हमें दिखता तो है कि हाँ ठीक है ये समांगी है, बट एक्चुअली में ये विषमांगी विलयन है अपने कणों के साइज के हिसाब से। तो जो टिंडल प्रभाव दिखता है हमको वो निलंबन और कोलोइडल में दिखता है, वास्तविक सॉल्यूशन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। ये लास्ट स्लाइड है इसका, आपको ध्यान से समझना है। समपरासरी विलयन, अगर मान लीजिए कि ये एक हमने कोशिका ली है जिसको समपरासरी विलयन में डाला है। समपरासरी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसके अंदर अगर कोई भी हम कोशिका डालते हैं तो जितना जो हमारा जल है वो कोशिका से, वो इस बीकर से, इस कंटेनर से जितना जल कोशिका के अंदर जाता है उतना ही जल कोशिका से बाहर भी आता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आदान प्रदान, नेट आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है पानी उतना ही कोशिका से बाहर भी आ रहा है पानी। यहाँ इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए 30% सॉल्यूट है और 70% अगर पानी है, जल है, कोशिका के अंदर भी 30% सॉल्यूट है और 70% पानी है, तो क्या होगा? इस कंडीशन में जितना ये पानी बाहर आएगा, कोशिका से बाहर आएगा, उतना ही पानी बाहर से कोशिका के अंदर भी जाएगा। अगर हम, तो इस प्रकार में जो कोशिका होगी वो उसका आकार बिल्कुल सामान्य होगा क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। अगर अल्प समपरासरी विलयन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो विलयन है इसके अंदर पानी ज्यादा होगा और जल ज्यादा होगा और विलेय कम होगा। जब विलेय कम होगा तो पानी ज्यादा होगा बाहर, जब पानी ज्यादा होगा बाहर तो पानी अंदर जाएगा कोशिका के, और जिसकी वजह से कोशिका हमारी फूल जाएगी। तो इस प्रकार के विलयन को, जहां पे विलयन के अंदर पानी ज्यादा होता है और विलेय कम होता है, तो उसको हम अल्प परासरणदाभी विलयन कहते हैं। अति परासरणदाभी विलयन क्या होता है? अति परासरणदाभी विलयन होता है जहां पे विलेय की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जब विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या विलायक की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई कोशिका हम डालते हैं तो क्योंकि कोशिका के अंदर पानी ज्यादा है तो कोशिका के अंदर से पानी बाहर आने लगेगा, और जिसकी वजह से कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी,
तो इस तरीके से हमें यह समझना है कि अति पराश्रयदाभि विलयन में कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अति पराश्रयदाभि में वो अति पराश्रयदाभि विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है। और इसमें यहाँ आप एरो से समझ सकते हैं कि इसको हम बाह्य पराश्रयण कहते हैं। जब पानी कोशिका के अंदर से बाहर ज्यादा निकल जाता है तो इस कंडीशन को हम बाह्य पराश्रयण होना कहते हैं। अंतः पराश्रयण क्या है कि जब बाहर से पानी अंदर की ओर ज्यादा जा रहा है, बाहर से मतलब विलयन से पानी कोशिका के अंदर ज्यादा जा रहा है और कोशिका से बाहर कम निकल रहा है, तो उसको हम अंतः पराश्रयण कहते हैं, अंतः पराश्रयण होना कहते हैं। तो अंतः पराश्रयण, बाह्य पराश्रयण, सिंपल सा, अंतः मतलब अंदर और अंदर मतलब कोशिका के अंदर, पराश्रयण मतलब एक तरीके से जाना, तो यानी विलयन कहाँ जा, जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, कोशिका के अंदर जा रहा है। जब पानी अंदर जा रहा है तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। लेकिन अंतः पराश्रयण कहाँ होगा, जहां अल्प पराश्रयण दाबी विलयन होगा। जहां अति पराश्रयण दाबी विलयन होगा वहां कोशिका से पानी ज्यादा बाहर आएगा और बाहर से पानी अंदर कोशिका के अंदर कम जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बाह्य पराश्रयण होता है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।